सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है जी, काफ़ी जाने माने चेहरे हैं हमारे चैनल के और काफ़ी युवा पशुपालक हैं, काफ़ी ज़्यादा भाई के डेयरी फार्म से वीडियो लेके आ रहे हैं आप सब पशुपालक साथियों के साथ। और आज एक और फिर एक काफ़ी शानदार जोटी की मिल्किंग वीडियो आप सब पशुपालक भाइयों के साथ लेके आ रहे हैं जी। ये देख सकते हैं, पहुँचने के बाद जो अडर में जो नशे हैं और जो थन फुला के लेके आई है जोटी, काफ़ी अच्छा। तो आज की वीडियो में काफ़ी शानदार, आप एक सुपर क्वालिटी में ज़रूर जोटी को कहना चाहूँ, क्योंकि इस टाइम में वैसे वो काफ़ी कम बच्चा दे रही हैं और जो अच्छा पशुधन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है इस टाइम में। तो आज की वीडियो है जी एतेश भाई के डेयरी फार्म से, कन्हैया लाल डेयरी फार्म। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस है वो ज़रूर बताना चाहूँगा, गांव गाजी गोपालपुर और ज़िला लगता है रेवाड़ी, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मोस्टली भाई के डेयरी फार्म से जो हमने कवरेज की है ज़्यादातर, जो कि मिल्किंग वीडियो की कवरेज की है, ठीक है भाई साहब, स्टार्ट करें। क्योंकि जो दूध होता है उसमें जो मिल्किंग वीडियो में पशुधन है उसका जो कि धार पौसा उसको पता लग जाता है कि पशुधन की जो धार है वो कैसी है। ये देख सकते हैं जी, जो अगले थनों की जो चुवाई है बिल्कुल मोटी चुवाई, और सबसे अच्छी बात है कि मुठियाकार के थन आप यहाँ पे जोटी में देख पा रहे हैं जी। इस जोटी की हम साथ साथ भाई हितेश से इसकी जोटी की डिटेल्स भी है वो लेंगे, तो मिलवाते हैं भाई हितेश से और इस जोटी की डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। काम कैसा चल रहा है भाई साहब? काम ठीक चल रहा है। तो आज की वीडियो में जो आप हमारे से जो जोटी दिखा रहे हैं जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कौन से लैक्टेशन में है? दूसरे ब्यात में है। तो आज कितने दिन की सुई हुई है? पाँच दिन की है। आज 5 दिन की सुई हुई है और दूसरे ब्यात की है जी। और बात करें हाइट लेंथ, जो क्वालिटी है जोटी में वो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिली, और जो लेंथ है जोटी में वो विरले ही शायद ही किसी किसी जोटी में देखने को मिलेगी। तो काफ़ी युवा पशुपालक है, पशुपालन की फील्ड में काफ़ी अच्छा से अच्छा सिलेक्शन करके लेके आते हैं, और एक से एक जो कि दुधारू जोटियाँ हैं वो बाइके डेयरी फार्म पर हमें देखने को मिली है। तो आज 5वें दिन की ब्याई हुई है, तो फिलहाल अच्छे दूध पर चल रही है भाई साहब हैं? 15,000। अच्छा, फिलहाल 5वें दिन की ब्याई हुई में 15 के आसपास जो कि दूध है वो जोटी निकाल रही है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल टाइट लेवटे की जोटी है, ऐसे ऐसे जो अडर की जोटियाँ हैं वो दूध निकालने में ज़्यादा सक्षम है वो होती है। तो अगाड़ी कितनी निकाल रही है भाई साहब फिलहाल जोटी? 2.25 किलो। 2.25 किलो की फिलहाल 15 किलो में और 5 दिन की ब्याई हुई में 2.25 किलो की अगाड़ी है फिलहाल जोटी निकाल रही। और एक बार पिछले थनों की जो चुवाई है आप लोगों को वो भी दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं जी, बिल्कुल मोटी चुवाई, और ये देख सकते हैं कोई बच्चा भी आराम से इस जोटी की जो चुवाई है वो कर सकता है, और मोटी धारा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो सिंगों की क्वालिटी और बात करें जो चाल डाल है जोटी का, काफ़ी अच्छा, जो स्पेशली अपने घर पर एक या फिर दो जोटियाँ रखता हूँ ऐसी ऐसी जोटियों को सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रीडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और दूध में अगर अच्छी है तो आने वाले टाइम में अच्छा सीमन है वो टिकवा करके एक आने वाले टाइम में एक अच्छी नस्ल हम ले सकते हैं जी। इस टाइम में जो कि ताज़ा ब्याह हुआ पशुधन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, सिलेक्शन करके लेके आना बहुत ही कठिन की बात है, क्योंकि इस गर्मी में जो भैंसें हैं अच्छी तरह से दाना भी नहीं ले पाती,
और दूध के ऊपर काफ़ी कम जा पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी रेख देख होने के बावजूद अगर अच्छी रेख देख होगी तो पशुधन कहीं ना कहीं दूध को पूरा करता है। साथ में क्या भाई साहब इसके? मेल काफ। साथ में मेल काफ है जी, और आज ताज़ा ब्याई हुई है। तो लगभग भाई साहब आपके हिसाब से जैसे दूध पे चल रही, कितने दूध पे जा सकती है जोटी? 20 लीटर दूध आराम से निकाल देगी। क्योंकि देखो जी, 5 दिन की ब्याई हुई है, और 5 दिन की ब्याई हुई में फिलहाल 15 किलो दूध फिलहाल प्रेजेंट में जोटी में हो तैयार है। और भाई ने ज़्यादातर जो हमारे चैनल पे है वो मिल्किंग वीडियो कवरेज हो कराई है। और आप सब पशुपालक भाइयों से बताना चाहूँगा, अभी जो दूध निकल के आएगा उस दूध को ना माने, अपने हाथों से आकर के 2 टाइम अपने हाथों से चुवाई करके और नाप करके फिर आप जोटी को ले जा सकते हैं जी। ये देख सकते हैं बिल्कुल टाइट लेउटेगी, और जैसे जैसे दूध निकल रहा है वैसे वैसे जो अडर है वो जो अडर का जो जड़ाव हुआ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी। पीठ फूटेगी काफ़ी अच्छी जोटी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। शान स्वभाव काफ़ी अच्छा, और क्योंकि मिल्किंग है वो ख़त्म होने के नज़दीक है जी, और जो दूध है आप लोगों को नाप करके वो दिखाया जाएगा। हमारी ज़्यादातर जो कवरेज है वो व्यापारी वर्ग के भाइयों के डेयरी फार्म से होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशु की जो पशु को कहीं ना कहीं से तराश के लेके आते हैं, और अच्छा से अच्छा जो कि पशुधन हम आप सब पशुपालक भाइयों को दिखाते हैं। काफ़ी पशुपालक भाई हैं जो कि देखने वाले होते हैं, लेकिन एक देखने का एक पशुधन का जो कि शौक है वो होता है कहीं ना कहीं। तो काफ़ी पशुपालक भाई हैं देखने के लिए भी जुड़ते हैं, और काफ़ी पशुपालक भाई हैं जो पशु से प्रेम करते हैं वो रोज़ाना हमारे चैनल से जो कि वीडियो है वो देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जी। और चुवाई है वो ख़त्म है, वो हो चुकी है, आप लोगों को अभी फ़िलहाल नाप करके दिखाया जाएगा। ये देख सकते हैं जी, फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि 5 मिनट के अंदर अंदर जो कि जोटी का जो कि दूध है वो निकल चुका है, और ये देख सकते हैं जी दूसरी जो कि बाल्टी वो आप लोगों को खाली करके है वो दिखा दी गई है। ये देख सकते हैं भाई साहब ने फिलहाल जो कि 15 किलो दूध है वो रेकमेंड किया है। और फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस दूध को ना माने, अपने हाथों से आकर के अगर कोई पशुपालक भाई लेना चाहते हैं तो अपने हाथों से आकर के चुवाई कर सकते ले जा सकते हैं जी। 1 लीटर और 2 3 4 5 6 और ये देख सकते हैं जी 7 और ये देख सकते हैं जी 8। तो जैसे कि भाई साहब ने जो कि दूध है वो 15 से प्लस जो कि रेकमेंड किया था, तो अभी फ़िलहाल जोटे में हम मान सकते हैं कि 16 किलो दूध है जो कि वो पक्का है। किसी भी टाइम आप यहाँ पे आके भी जो कि पशुधन को परचेज वो कर सकते हैं। तो भाई साहब एक बार कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहेंगे? 88140 31204 इसी पे व्हाट्सएप। तो कम से कम निकालिए, प्लस रहे कम निकली के। तो रेट बताना चाहेंगे जी? रेट मौके पर करना चाहेंगे। तो रेट है इसका जो कि मौके पर करना चाहेंगे, फिलहाल 5वें दिन की ब्याई हुई में जो दूध है 15 से 16 लीटर जो कि दूध है तैयार है, और भाई साहब बता रहे हैं कि आराम से जोटी जो कि 20 लीटर दूध है वो आराम से कवर है वो करेगी। और फिलहाल भाई के पास ये बिक्री के लिए उपलब्ध है जी। अगर कोई भी पशुपालक भाई लेना चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन से हमारे स्क्रीन पर भी भाई का जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी।